हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा IQ Z9S 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर आप कैसे अपने आईक्यू फ़ोन में कैसे आप वाईफाई नॉट कनेक्टेड इंटरनेट प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्टेड है फिर भी इंटरनेट नहीं चलता है तो आप कैसे वाईफाई नो इंटरनेट प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सिंपली देख सकते हैं आइकन शो हो रहे हैं, तो स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन, सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जाएंगे नेटवर्क इंटरनेट। तो यहाँ पर वाईफाई आ रहा है जो कनेक्टेड है, पर इसमें प्राइवेट DNS सर्वर आ रहा है, तो उसको आप कैसे ऑफ करेंगे। तो उस पर जाना है प्राइवेट DNS पे और उसको यहाँ से ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देना है, जिससे आपका प्राइवेट DNS सर्वर हट जाएगा। और फिर भी नहीं हटता है तो सिंपली देख सकते हैं कि आप यहाँ से सेटिंग्स पे जा सकते हैं, सिस्टम सेटिंग्स पे, जहाँ से आपको बस रीसेट ऑप्शंस पे जाकर यहाँ से अपने फ़ोन की वाईफाई ऑल सेटिंग्स को रीसेट कर देना है। तो जब आप वाईफाई ऑल सेटिंग्स रीसेट कर देंगे तो आपके फ़ोन में जो भी वाईफाई नॉट कनेक्टेड इंटरनेट प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी और वाईफाई इंटरनेट आपके फ़ोन पे चलने लग जाएगा, क्योंकि हमने वाईफाई की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। और देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आप पासवर्ड डाल के कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट वगैरह फ़ोन में चला सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।